अब ये सलीम साहब आपका फोन है, मैं उनकी बीवी बात कर रही हूँ। सारी गलती ना आपकी है, नजर रखती ना अपने शोहर पे। मैंने कहा था ना अली, हमें पिकनिक मनानी ही नहीं चाहिए, आज हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। ये सलीम भाई को, दुनिया को, मुसीबतों को बोलेंगे मैं तुम्हें कल देख लूंगा। आप पर आंसू सूट नहीं करते? आंसू किसी पे भी सूट नहीं करते। तुझे बेवा होने का बहुत शौक है ना, तेरा ये शौक पूरा हो जाएगा। कौन करेगा बेवा? चवन्नी। तुम हमेशा चीटिंग करती हो, जीत जाती हो। दिस इज नॉट फेयर। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर अली। ओह, ऑल इज फेयर। सो दिस इज, दिस वाज लव और वॉर? मिस्टर अली, दिस वाज वॉर इन लव। ओह, वॉर इन लव। फलक, ये काम तो मेरा था, ये चीजी लाइन से काम तुमने कब से शुरू कर दिया? तुमने ऐसे ही मुझे हल्का लिया अली। अब नहीं लूंगा। ओ यार, चीटिंग नहीं करती ना, मैं जीता ही जीता। चलो फिर से रेस लगाते। यार तुम क्या माइकल शूमा करो, हर जगह भागने की बातें करती हो, बस हो गया। कोशिश तो करो तुम मेरे से जीतने की। फलक, मैं नहीं जीत सकता। आओ चलो चलो फलक, आओ आओ। 1 करो करो वाली, 1 2 3 गो। चलो ओए मुख्तार, मेरी एक पिक्चर बनाना है वो वाली, प्रपोज वाली। एक और, एक और, एक मिनट, एक मिनट, एक ऐसी भी। जुम्मा, तुमने इधर चीता देखा? नहीं तो। राहत साहब कह रहे हैं इधर ही तो रहते हैं, हमें जल्दी जाना चाहिए। कौन रहते हैं? चीते। चीते नहीं, मकामी शेर होते हैं, लेकिन वो भी ऊपर वाली पहाड़ियों में। थोड़ो थोड़ो, इसीलिए तो इतना डरे हुए हैं। उन्हें समझाओ ना कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। हम समझाते हैं चलके। अरे रब्बा, चुम्मन दिखाओ जरा वीडियो कैसी बनी थी। और सब सब खैरियत तो है? आप इतने सन्नाटे में अकेले बैठे हैं। जुम्मा, खैरियत ही तो नहीं है यहाँ। क्यों, क्या हुआ? आपने कहीं चीता देख लिया? चीता? अरे चीता नहीं, शेर। चीता, शेर, शेर, चीता, शेर, सब एक जैसा होता है मुख्तार। नहीं यार, वो मैं तो... खतरा तो है ना जुम्मा। राज साहब, कोई खतरा नहीं है, इधर नहीं होते शेर। बंदर? बंदरों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? राज साहब, मुझे लगता है इंसान जब पैदा हुआ था वो बंदर था, हम बंदरों से उठ के ऊपर आए। जुम्मा, मैंने तेरा फलसफा नहीं पूछा। अरे बंदर तो बेजरर होते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम लोग नहीं समझोगे यार। हाँ भाई, क्या हो रहा है? ये रात बांदर कह रहा है कि यहाँ पे चीते होते। अब चीता नहीं, शेर। और चीते हो या शेर, और तुझे मसला क्या है? हाँ वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, चीते हो सकते हैं यहाँ पे। और जब हो सकते हैं तो फिर खतरे वाली बात क्यों नहीं है? अरे बाजी, हम लोग ज्यादा है ना, और वो वैसे भी इंसानों को। चुप, सब खामोश। जुम्मा क्या है? मेरे रेडार कुछ पकड़ने। तेरे रेडार? मेरे कान ना साहब। जुम्मा क्या है? हवा चल रही है तो। ये क्या था? ओ, ये तो चीता था। हैं? चीता? चीता नहीं, शेर। बोलो! नहीं 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 नहीं, पहले ठीक करना, काम डाउन, घबराए नहीं, कोई बिल्ली बिल्ली होगी, मैं देखता हूँ। अरे भाई चेक करेगा। बिल्ली नहीं है।
चीता चीता क्या फाइनली हम कहीं बाहर तो गए, कितना मजा आया ना। क्या खाक मजा आया है। साहब, ये आप मुझे छोड़ के वापस गए थे? अरे मैं भागा दौड़ी था, मेरी नजर थी तुम पे, बाकी सब पे भी नजर थी। ये मिस मीना कहाँ है? मीना कहाँ है? अंदर ही होगी। जुमा जुमा देखो। ओए रब्बा, इस वक्त तो चाय होनी चाहिए। ओ अंदर तो नहीं है मीना बीबी? नहीं है। जुमा जाके देख क्या गाड़ी में। जी बॉस। जल्दी जाओ। वो हमारे साथ गाड़ी में थी ना? मेरे ख्याल से बस में तो नहीं थी। तुम्हें क्या पता, तुम तो खुद सो रही थी। अरे रुक जाओ, अंदर ही कहीं होगी, बाथरूम चली गई होगी। मीना, ओ मीना, बैठेगा। बीबी वो ड्राइवर कह रहे हैं कि वो उनके साथ भी नहीं आई है। हाँ क्या मीना गाड़ी में नहीं है? एक सेकंड एक सेकंड, हमसे छोड़ तो नहीं आया? मीना का नंबर भी बंद जा रहा है। मेरी बच्ची को अकेला छोड़ के आ गए हो वहाँ पे, और तुम में से किसी को भी ख्याल नहीं आया है? अरे तो मैं माँ होते हुए ख्याल नहीं आया, तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो। देख रहा तू तो चुप कर जा, मैंने तेरा असर कर दिया। एक सेकंड, लड़ने का वक्त नहीं है, गलती हम सब की है, अब बताए करना क्या है। चलो ढूंढते हैं चल के, हमें वापस जाना होगा। सही कह रहे हैं मुख्तार, चले चले। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, हम मर जा रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती, मैंने भी जाना है। अकेले की बात ही, हम जा रहे हैं ना, पहले ख्याल रखो इनका। अरे चलो जुम्मा। बच्ची कैसे भूल कर आ गई, अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को भूल गई मैं। बाजी हौसला करें, दिल बड़ा करें, मीना इतनी बहादुर है। जुमा, वो मुझे ये बताना, वो जो हमारा जुमा, तुम लोग अभी तक गए नहीं? वो बाजी हम वहाँ पर चीता है, तो हम उसके लिए असला लेने आए। और सारे क्या करिए, साथ चल के दिखाओ। कैसी बाहु मैं अपनी नन्ही सी बेटी को खूनी दरिंदों में छोड़ के आ गई। अल्लाह मैंने ये क्या किया। बाजी कोई दरिंदा शरिंदा नहीं है, वो एम ही कह रहा है। नहीं मैंने भी जाना है, मैं भी आप जी बैठ जाइए, मुझे जाना चाहिए। बाजी सब ठीक हो जाएगा, आप बैठ जाए। अभी आ रही होगी वो, आप ऐसे परेशान हो रही जी, अभी वो आ जाएगी। परेशान ना, वो अभी आ जाएगी, देख लीजिएगा आप, फिक्र ना करें। मैं भी तुझे नहीं पता मैंने अपनी बेटी के साथ बड़ी सेहत क्या की है। यार जुम्मा, सबको पता है ना करना क्या है, शाम होने वाली है, हमें रात होने से पहले मीना को लेके घर वापस लौटना है। देखो सबने साथ रहना है, अकेले इधर उधर नहीं जाना है। चीता हमेशा पीछे से हमला करता है, आखिर में गर्दन पर चक मारता है, इसलिए अगर सामना हो जाए ना तो गर्दन को थोड़ा सा छुपा लेना, और खबरदार कोई चीते की आंखों में आंखें डाल कर ना देखे, माइंड करता है। राज भाई क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ, ऊपर जो भी चीज है ना मकरू है, खून की प्यासी है, सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशत है। राज भाई एक सेकंड, इधर आइए।
क्या कर रहे हैं? अगर आपने कुछ करना ही है ना तो इनकी हिम्मत बढ़ाएंगे तो इतना डराएंगे तो आगे कैसे जाएंगे? मुख्तार वैसे बेचारा थोड़ा डरपोक सा। हाँ ये तो है। हाँ भाई, हाँ कोई सवाल है किसी का? हाँ, उस पहाड़ के ऊपर मिस मीना के लिए एक एक सेकंड जिंदगी और मौत की कश्मकश है। हम लोग यहाँ खड़े वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? चले तो मेरी बच्ची को बचा ले, या अल्लाह तू मेरी जिंदगी ले ले, पर मेरी बेटी को लंबी जिंदगी देना, या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। बाजी कैसी बातें कर रही है, कोई अच्छे के लिए दुआ करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। क्या अच्छे के लिए दुआ करूं, कौन सी बात अभी तक अच्छी हुई? कोई अच्छी बात, कोई खुशी नहीं हुई अभी तक। यहाँ पहुंची तो मनोज और की मैं ऊपर निकल आई और अब मेरे दिल का टुकड़ा हो गया। मैं भी जाके जाने वाले लेकर आ, मैंने अभी दोनों बिल पढ़ने हैं, मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगी। अच्छा भाई, मैं लाती हूँ, मैं लेके आती, मैं लेके। मीना मीना बाउस, अली अली, जंगल के सारे आदम खोरों को अपनी आमद का ऐलान करके बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये ऐलान मीना भी सुनेगी। राज साहब, अली भाई बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मीना बीबी के लिए रेस लेना पड़ेगा। अच्छा चलो। मीना बटर कप, मीना बीबी, मीना बेटा बटर कप, मीना बीबी। अरे यार आप लोग हटो यार। मीना 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 बाउस, मीना बेटा, अभी तक नहीं आए, इतनी देर हो गई। नहीं बाजी, बाजी बस आ ही रहे होंगे। फोन किया था तूने? वो सिग्नल नहीं आ रहे ना तो बात नहीं हो सक रही, लेकिन वो आ रहे होंगे। मीना मीना बीबी बटर कप, मीना बीबी, मीना मीना बेटा, मीना बीबी। मुझे तो कोई मसला लग रहा है, हम इतने आगे निकल आए, अभी तक तो मिल जाना चाहिए था मिस मीना को। मेरे ख्याल से हमें अलग-अलग होकर ढूंढना पड़ेगा, ये खतरनाक हो सकता है। हो तो सकता है, लेकिन और कोई हल नहीं है। मिस मीना भी तो अकेली है, और कब से अकेली है? मुख्तार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर ठीक है। जुमा ये चली साइड देख, भाई आप भी जाएं, मैं जाता हूँ। मुख्तार सीधा देख के आया। और हाँ याद रहे, अगर कोई खो जाए या मीना मिल जाए या कोई मसला हो, ट्रेल पे गाड़ी खड़ी है, वापस वहीं मिलना है, ठीक है? पैसों लग जा भैया। मीना मीना बीबी, ओहो मीना मीना बीबी, तुम माँ नहीं हो ना, तुम नहीं समझोगे औलाद का दुख क्या होता है, ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। कहीं वापस तो नहीं चले गए? मीना मिल गई हो और हम यही ख्वार हो रहे। करे चक्कर में अकेली भूखी प्यासी बताने की साल में हो गया। भाजी आप पानी पिए। भाजी पानी नहीं, जब तक कि मेरी बेटी नहीं आ जाती मैं अपने अलग से एक कतरा भी नहीं मारूंगी। भाजी आपके भूखे प्यासे रहने से मीना को कोई फायदा होगा? तुम नहीं समझो, तुम माँ नहीं हो ना, तुम नहीं समझोगे औलाद का दुख क्या होता है, ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है।
जाओ यहाँ से तुम लोग सब, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। बाजी औलाद का ताना देने की क्या जरूरत थी, मीना हमारी भी बेटी की तरह ही है। बाजी बस, बाजी आप पानी पिए, हम देखते हैं। फलक, बहुत देर हो गई है, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। सही बात है बाजी, किसी को कॉल भी नहीं जा रही। अल्लाह खैर करे, बाजी तो गम से निढाल हो रही हैं। कुछ खाया भी अभी नहीं है उन्होंने। नहीं तो दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई उनके कमरे में जाने की। ऐसा करते हैं, उनको जाकर देखते हैं। चले चलो, आओते आओ। मीना बीबी, मीना बीबी, ओ दरख्त, मीना बीबी, मीना बेटा, बटरकप, मीना, बटरकप, बटरकप, बाजी, 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 लगता है थके सो गई। लेकिन सोने दे महेश भाभी, जब तक कोई खबर नहीं आई अच्छा है, आराम कर ले। कहीं बेहोश ही ना हो गई हूँ। जुमा, तू डरा दिया यार तूने, अभी लग जाता तुझे। राज साहब, मैं भी आपके सर का चक्का मारने वाला था। भगवान संभाल गए, मीना मिली नहीं आपको? मिली, अगर मिली होती तो मेरे साथ नहीं होती। ओ, हाँ ये भी है। अरे सर्दी भी हो गई है, अली मुख्तार को देखा नहीं तो कहीं वापस तो नहीं चले गए? मीना मिल गई हो और हम यही ख्वार हो रहे। मैं फोन करूंगो भाई, यहाँ सिग्नल आते तो मीना को फोन नहीं कर लेते। ओ हाँ ये भी है, तो अब क्या करेंगे? मेरा ख्याल है वापस चलते हैं गाड़ी की तरफ, हो सकता आ गए हूँ। अगर नहीं भी आएंगे तो थोड़ा इंतजार करेंगे, आराम करेंगे, फिर आएंगे मेरी जान। आपको वापसी का रास्ता याद है? नहीं। ऐसा कर, तू यहाँ से वापस जा, मैं वहां से जाता हूँ और ढूंढते हुए जाते, क्या पता मिल जाए। अकेले अकेले फिर? तू उधर जा, मैं इधर जाके ढूंढता हूँ। मीना बीबी, मीना बेटा, मीना बीबी, तो वाकई क्राम चोर आदमी है। क्यों राज साहब, मैंने ऐसे क्या किया? हम यहाँ मीना को ढूंढने आए। राज साहब, मैं भी गया था मीना बीबी को ढूंढने, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा अकेले, तो मैं वापस आके गाड़ी में बैठ गया। जब मैं सच बताऊं, डर तो मुझे भी लग रहा है। वो
भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। ओ उस्ताद, कुछ खाने को देना? नहीं। अच्छा पानी तो दे दे। पी लिया मैंने। कैसा आदमी है यार, एक घूंट भी नहीं छोड़ा। छोड़े राज साहब, मुझे तो मीना बीबी की फिक्र हो रही है, अब तक नहीं मिली और अली भाई और मुख्तार भी वापस नहीं आए, हमें ना वापस चलना चाहिए। रुक जा, थोड़ी देर सफर कर ले, हो सकता है आ जाए, वैसे भी दम कहाँ है अब जाने का। राज साहब वो देखिए, क्या वो रोशनी जो चलती भी आ रही है, ये कौन है? अरे अली। हाँ अली भाई। अली अली भाई। आप लोग कब आए? अभी अभी। मीना मिली? नहीं। आपको मिली? कुछ पता नहीं है। अब तो अल्लाह ही मदद कर सकता है। अली भाई अब क्या होगा? मेरे ख्याल से हमें पुलिस से मदद लेनी पड़ेगी और पूरी सर्च पार्टी लानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सर्दी में मीना रात सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उतार रही है? हम समझे आपके साथ होगा क्या? अरे यार मुझे मेरे साथ थोड़ी आएगा। वापस चले उसके लिए? रहने दे यार, हो सकता है वापस आ जाए थोड़ी देर में। अल्लाह करे मीना बीबी को लेते गए। मीना बॉस, मीना बॉस, मीना बॉस, मिकी माउस, मीना बॉस, मिकी माउस, मीना बॉस, मैं आ रहा हूँ। मीना बॉस, अरे मीना बॉस आ मिली। मिकी माउस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीना, मीना माउस, हम सब आपको ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे? मुझे? हम सब कौन? अरे मैं, राज साहब, चुम्मा भाई और अली भाई। आप गुम तो गई थी? मैं गुम थोड़ी हुई थी, मैं तो बस वॉक पे गई थी। हाँ थोड़ी देर जरूर हो गई। इतनी रात को वॉक पे? क्यों, तुम्हें डर लगता है? अरे हम लोग तो हट चले गए थे, वहां जाके ख्याल आया कि आप तो यहीं भी रह गई हैं, तो फिर हम भागे भागे वापस आ गए। क्या तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए? तुम्हें भी मेरा ख्याल नहीं आया, मामा को भी मेरी याद नहीं आई। अरे आप, आपकी मामा तो रो रो के बुरा हाल बनाए बैठी हैं। वैसे सच कहूं तो थोड़ी सी गुम हो गई थी, लेकिन किसी को बताना मत। हाँ रुको, मैं तुम्हें उठाती हूँ, आ जाओ। दूसरे बाजू से उठा, दूसरे बाजू से। आइस तो उठा रही हूँ ना। एक दो उठो, रुको, टॉर्च, एक मिनट, चश्मा कहाँ लगाऊं? कैसे लगता है? सही हो? वैसे एक बात बताऊं, मैंने ना टिकटॉक बनाना था, सिग्नल्स ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ निकल गई, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। मामा ना पहले ही कयामत ढाने के लिए रेडी होंगी, मैं ना ऊपर से आऊंगी, बोलूंगी आप अपनी बेटी को छोड़ के चली गई, सुन रहे हो ना? सॉरी ना, भूल गई, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। आपका साथ तो मैं मरते दम तक देते रहूंगा मीना माउस। क्या करूं मैं? मेरा मतलब मेरा मतलब ये कि मैं आपका साथ दूंगा। गुड। वैसे एक बात बोलूं? बोलो। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपना बाजू तोड़ दिया, तुम सरप्राइज से भरे हुए हो। थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज था, आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। इतनी उम्मीदें ना लगाओ मुझसे, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं आपको नहीं पता, इंसान को इतना अपने बारे में नहीं पता होता,
जितना दूसरे को पता होगा मुझे पूरा यकीन है आप अंदर से बहुत अच्छी हैं। वैसे कहते हो तुम ठीक ही हो, फजूल में तुमने अपना बाजू तोड़ दिया, बचाया तो मैंने, मैं ना होती ना तो पड़े होते कहीं इधर उधर। यस ये स्टोरी अच्छी है, यही बताएंगे, तुम्हारी कुर्बानी स्वीट है बट मेरी इंसानी हमदर्दी पे ज्यादा फोकस करेंगे। सॉरी सॉरी। हाँ जैसे जैसे आपके जैसे। चलें आप चल चल। आया सॉरी ना चलो। नहीं बेटा अब हम सुबह ना अपने कार में ही उठेंगे, चलो जी सब अपना सामान पैक करो। मन्नी भाई ईमान से मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे खलास मत करो। अली भाई मुख्तार अभी तक वापस नहीं आए, कहीं वो भी, और कितना इंतजार करना है हमको? जम्मा छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, इंतजार तो करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ सीधे सीधे पुलिस स्टेशन चलो, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? रात भाई आप भी ना प्लीज, इंतजार करना पड़ेगा उसका। ओए अली भाई वो देखे मुख्तार बटरकप तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अच्छा हुआ मीना बेटा तुम मिल गई, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए थे और हम तो थाने भी रिपोर्ट करने वाले थे। आप लोग मुझे छोड़ के क्यों गए, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे लंबी कहानी घर चलो सुनाता हूँ चलो। हाँ हाँ सब पता है मुझे, आप लोग मुझे छोड़ के चले गए थे ना, भूल गए थे ना मैं कोई भूलने की चीज हूँ। अरे मुख्तार तुमने तो कमाल कर दिया यार, कमाल। क्या हुआ? वो इसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया, मैं ना होती ना तो इसने मर जाना था। अरे अरे चलो पहले इसको हॉस्पिटल लेके चलो। अरे तुम चलो फिर रह जाओगी, चलो हद हो गई यार। अरे यार चल बंद करो। क्या हुआ भाजी? अब कॉल तो जा रही है लेकिन कोई नहीं उठा रहा। आपने राहत भाई को कॉल किया? कॉल तो किया पर वो भी नहीं उठा रहे। बाजी अभी तक सो रही हैं, उन्हें जगा दूं? नहीं भाभी वो जाग जाएंगी तो उनको फिर से मिलना की याद आ जाएगी, सोने दे उन्हें। कहीं कुछ और ही ना हो जाए, कैसे पता चलेगा कि वो सो रही हैं या बेहोश है? भाजी हमने देखा तो था वो आराम से सो रही थी, लेकिन अगर आपको फिर भी तसल्ली करनी है तो हम एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ ये बेहतर है, उनको देख के आते हैं। हम आ गए, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ले आए आपकी टिकटॉक को। मामा कहाँ हैं? तुम्हारी मामा तो तुम्हारे गम में इतनी परेशान है। जुमन जाओ बुला के लाओ। राहत साहब आप तो पूरे जावेद मियादाद लग रहे हैं। अरे जावेद मियादाद को बहुत जोर की भूख लगी है, खाना नहीं खाया ना तो मुदस्सर नजर बन जाएगा। अच्छा मैं लेके आती हूँ आपके लिए कुछ खाने को। गुड जॉब अली। और ये इनको क्या हुआ? ये हीरो ने अपना बाजू तोड़ लिया। बाजू नहीं टूटता, शोल्डर डिसलोकेट हुआ है। और हीरोइन तो मैं हूँ जिसने इसे बचाया है। हाँ भाई तुम हीरोइन हो, बाकी हम सब विलन्स हैं बस। और नहीं तो क्या, फूल सी मासूम सी बच्ची को अंधेरे जंगल में छोड़ के आ गए। मीना मीना मामा मुझे छोड़ के क्यों आई? मुझे माफ कर दे बेटा, आइंदा मैं तुझे कभी भी अपने से अलग नहीं करूंगी, तू ठीक है ना? हाँ हाँ मैं फिट हूँ। आपकी बेटी अब इतनी भी कच्ची नहीं है, सरवाइव करना जानती है। मैंने ना सोचा था बेयर ग्रिल्स की तरह ना बंदर का शिकार करके कच्चा खाऊं, लेकिन थकन तो है, सुबह उठूंगी ना तो फिर बिल्कुल चार्ज हो जाऊंगी। नहीं बेटा अब हम सुबह ना अपने कार में ही उठेंगे, चलो जी
सब अपना सामान पैक करो, मैंने यहाँ पे ना एक पल भी नहीं रहना है। चलो अभी निकल रहे हम घर के लिए। मैं भी खाना बना रही है, खा के चलेंगे। इनकी वजह से हम सब वापस आएंगे। आप लोगों को चाहिए, आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ मैं? चाय पिला दे। आज अम्मा दूध पत्ती। अटेंशन एवरीवन, आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि दादी वाले लाउंज में आ जाएं। वहाँ पे आपको आपका नया चैलेंज दिखाया जाएगा। क्या? क्यों? ओ वकील भाई, हम अभी थके आ रहे आए, थोड़ा सा तो लेने दे। हाँ मिकी माउस, बहुत थके हूँ यार, अभी तो आए हैं। एक काम करते हैं ना, आज रात आराम कर लेते हैं, कल सुबह उठ के नया चैलेंज शुरू करते हैं। अली भाई, पहली बात तो ये कि मेरा नाम मुख्तार है, और दूसरी बात ये कि हमारे पास वक्त नहीं है, दिन कम है और चैलेंजेस ज़्यादा। हमें दादी की वसीयत पर बगैर किसी वक्फे और तेज़ रफ्तारी से अमल करना पड़ेगा। चलो ठीक है मिकी मुख्तार, लेकिन टीवी तो यहाँ पर भी लगा है, तुम यहीं दिखा दो वसीयत। क्या ऊपर नीचे कर रहे हो, थके हुए हैं यार। गुजारा करो मिकी माउस, ना हाथ देखो, थकते नहीं हो तुम, दर्द नहीं होता तुम्हें? मिस मीना माउस, मैं सर्द मौसम में आपकी तलाश में घर चाट के एक आम पर से मर्द बन गया हूँ, और मर्द को दर्द नहीं होता, अलबत्ता कुछ कुछ होता है। वाह मिकी माउस, आप बड़े डायलॉग शायलॉग मारने लगे हैं। ये तो आपकी जरा नवाजी है मुख्तार। वैसे बात तो सब ठीक कह रहे हैं, बड़ी थकन हो गई है, वीडियो कल लगा लेंगे। चुम्मा भाई, आप वाला चैलेंज है? मेरा वाला चैलेंज है? लगा वीडियो, फोन लगा। आप सब लोगों ने कान खोलकर गौर से सुनना है, ये सबसे अहम चैलेंज है, और आप सब ने ये चैलेंज खुश असलूबी और दिल लगा के अंजाम देना है। अबे ओ जुम्मा, तू हमें ऑर्डर दे रहा है, अपनी औकात देख। राज साहब, दिखाऊं अपनी औकात? अस्सलाम वालेकुम मेरे गुंडो प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम कहो बेहिदायत, तो किसी ने सिखाया नहीं। वालेकुम अस्सलाम, कैसा लग रहा है इस घर के मालिक बने बैठे हो, मजा आ रहा है ना? ज्यादा मजा भी ना लेना, इस घर का मालिक बनने का सोचना भी ना, क्योंकि घर का मालिक बनना आसान नहीं होता, संभालना पड़ता है, सबकी देखभाल करनी पड़ती है। जुमा का देखो, जब जुमा यहां आया था छोटा था, तुम्हारी खिदमत की उसने, मेरी खिदमत की, बड़ा हो गया मगर भूला नहीं है। तुम लोगों की तरह नहीं, तुम लोग मुझे भूल गए हो मगर ये नहीं भूला। जुमा तेरा बड़ा एहसान है मुझ पर भाई, और तू फिक्र न कर, तूने जो एहसान किया है तेरा बदला वापस होगा, और ये जो बड़े मालिक बने बैठे हैं ना, इनको भी देखा जाएगा। किसी की खिदमत करना, इज्जत करना, एहतराम करना बड़ा मुश्किल काम है, और तुम लोग गौर से सुन लो, तुम्हारी किस्मत जुमे का है, जो जुमे की खिदमत करेगा वही असल में 3 करोड़ का मालिक होगा। इसका मतलब ये है कि जुम्मा तुम्हारा मालिक और तुम जुम्मे के नौकर। ये है तुम्हारी औकात और अगला चैलेंज। जुम्मा फेर दे झाड़ू। क्यों राहत साहब, राहत आ गई?
या औकात दिखाऊं? जुम्मा मेरा प्यारा भाई, तुझे तो पता है ना मेरी तो मजाक की आदत है। मैं तो मजाक कर रहा था। इधर बैठो। बैठ उठा। बैठ गया। बैठ ना। जुम्मा भाभी आप आए? आप इधर 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 बैठे बैठे। जुम्मा मैं तुम्हारे ना जूतों के तस्मे खोल देती हूँ, हटो। अरे हटना तो मैं खोल रहा हूँ। हेलो। हाय रात, लॉन्ग टाइम नो सी। अपन आगे लाए एकदम रोकड़ा पकड़ाने का, नहीं तो तेरा टाइम खलास, समझा? अरे तुम तो चुप करो। चमन्नी भाई ईमान से, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे खलास मत करो, थोड़ा सा वक्त दे दो। क्यों मेरे होने वाले बच्चों को यतीम करने पे तुले हुए हो पहले से ही? रहम करो चमन्नी भाई, रहम करो मुझ पर। अपन रहम नहीं खाता, अपन वेजिटेरियन है, और तेरा नकली बच्चा लोग अब तेरे को नहीं बचा सकता। अपन अकेला है रात, तेरे पीछे खड़ा है, पीछे मुड़ के नहीं देखने का।